हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। दिल्ली सरकार ने ट्रक और मंझोले ढुलाई के वाहनों की आवाजाही पर नवंबर से फरवरी के बीच लगाई पाबंदी। सर्दी के मौसम में प्रदूषण में इजाफा होने की इस आशंका को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक दिल्ली क्षेत्र में भारी और मध्यम माल वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया है। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने नवंबर से फरवरी के बीच ट्रक और मंझोले ढुलाई के वाहनों की शहर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिहाज से इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान मिल चुका है। यहाँ वैसे तो लगभग पूरे साल प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन सर्दी के मौसम में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। समीपवर्ती राज्यों के पराली जलाने के फलस्वरूप धुएं के दिल्ली पहुंचने, बेरोकटोक चलने वाले निर्माण कार्य, डीजल जनरेटर और वाहनों का धुआं प्रदूषण में इजाफे का कारण बनता है। बैकफुट पर टीम ठाकरे, बागी विधायकों से कहा सरकार से हटने को तैयार लेकिन वापस तो आइए। महाराष्ट्र के सियासी संकट में बागी एकनाथ शिंदे के गुट की स्थिति मजबूत होती जा रही है। शिंदे गुट के विधायक की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और उनके आगे शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है। शिवसेना ने कहा है कि वह कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी से संबंध खत्म करने की बागी गुट की मांग पर विचार को तैयार है, लेकिन बागी विधायक 24 घंटे में गुवाहाटी से मुंबई तो वापस आए। इंदौर के खंडवा रोड पर 50 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 6 मुसाफिरों की मौत, 17 घायल। खंडवा रोड पर गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। एक यात्री बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में करीब 6 लोगों की मौत हो गई, लगभग 17 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दुख जताया है। मृतकों को 4 लाख व घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घटना सिमरौल थाना क्षेत्र की है। इंदौर से खंडवा जा रही यात्री बस भैरव घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। पलटने के बाद बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पहिए ऊपर आ गए। घटना में 6 लोगों की मौत की खबर है, करीब 17 लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। बस में दबे यात्रियों को निकालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। घटना पर चीख पुकार मच गई। घटना के बाद कलेक्टर मनीष सिंह घटनास्थल पर पहुंचे।